गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन SST स्पेशल क्लास लेवल 4। तो आपके एनुअल एग्जाम के अनुसार तो टेक द करेक्ट आंसर जो आपके पास होंगे वो 10 होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। आपको दो दो ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन पर लगाना होगा टिक मार्क। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि ओनम जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का है या कितनी भाषाएँ हैं जो हमारे भारत के अलग अलग भागों में बोली जाती हैं, इस टाइप के। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहेगा वर्ड मीनिंग वाला, जिसमें कम से कम 10 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे जिनकी आपको मीनिंग लिखनी होंगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके हैं, मेंबर्स हो सकता है, यूनियन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, फोल्क हो सकता है, क्लासिकल, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स जो आपको कराए गए हैं 4 टर्म में, उन्हीं में से आपका सब कुछ आने वाला है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं 10 नंबर का टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे और उसको समझिए और सही पर टिक लगाए। और दूसरा वर्ड मीनिंग की यहाँ पर बात हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी यानी कि तीसरा क्वेश्चन, तो वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो किस प्रकार के हो सकते हैं। आपको विषय याद है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आपको कराए गए हैं और आपको याद भी होंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो आपके रहेंगे वो लगभग 8 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 32 मार्क्स के होंगे। यानी कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। जैसे क्वेश्चन आपके पास हो सकता था या हो सकता है क्वेश्चन आपके पास कि जो राजा राम मोहन राय है वो कहाँ पैदा हुए या कहाँ के थे, या महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जा सकता है, या पूना सेवा सदन के बारे में, या जो फेस्टिवल है या डांस है इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं पर अगर आप बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो आपको 6 नंबर के रहेंगे आपके लिए और 6 ही होंगे, आपको ऑप्शन दिए होंगे तो उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सही जगहों पर सही ऑप्शन को आप फिल करेंगे। जैसे आपके पास आ सकता है ऑल पीपल आर, फिर बीच में स्पेस दे दिया गया हुआ बिफोर द लॉ, तो वहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऊपर यानी कि 6 ऑप्शन हैं, तो 6 में से जो सही ऑप्शन होगा उसको आप वहां पर भर देंगे। और वहीं पर बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, जो कि 6 रहेंगे आपके लिए, तो इनमें भी आसान होता है, आपको टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स लिखना होता है। जो सही होगा उसके आगे ट्रू लिख देंगे और जो गलत होगा उसके आगे फॉल्स। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप एकदम ही इसको सही करेंगे और ये 6 नंबर का रहेगा और 6 ही होंगे। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो मैचिंग वाला हो सकता है, मैच यानी कि आपको मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है इसमें। और या एक क्वेश्चन आपके पास अलग किस्म का भी आ सकता है कि कृष्णदेव के बारे में भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और मैचिंग तो बहुत आसान होती है क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको वर्ड्स दिए होते हैं, तो आपको सही वर्ड्स को सही जगह पर मिलाना है। और जैसे इम्पोर्टेंट आपके हो सकते हैं जैसे डोसा है, रास है, इस टाइप के, तो काफ़ी आसान रहेगा, आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से इसको। तो बने रहिएगा गुरु के SB यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।